ये स्कूल के पास है जगह या ये स्कूल के पास है अभी बॉक्सिंग का स्टाइल बताएगा आपको कि बॉक्सिंग क्या है। थोड़ा बॉक्सिंग जो स्टाइल करो स्टाइल बिकने ये देखें ये छोटे छोटे बच्चे हैं लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से मंगाते हैं। ये तो उम्र होती है इस उम्र से अगर ये सीखेगा तो ये पहले का मुकाम मैं कहाँ का मुकाम मूवी बनाने के तेज का पद बनेगा ये लेफ्ट राइट लेन गरीबों का ये देखें अच्छा बॉक्सर भी ऐसा नहीं लिफ्ट चलाएगा और राइट चलाएगा। मकरानी पाड़ा इसे अगर मिनी लियारी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस वक्त इस यूसी का ये हाल है कि यहाँ पे कोई बुनियादी सहूलियत हासिल नहीं है। कचरे का ढेर मंशियात यहाँ फिर खुलेआम बिकती है। खेलों की कोई सहूलत नहीं कोई ग्राउंड नहीं है यहाँ पे। ये स्कूल का हाल देख लें आप। ये स्कूल 1992 से इसकी एक फाइल जो जमा है वो अभी तक पेंडिंग में है। ये ग्राउंड कचरे का ढेर बना हुआ है। ये ग्राउंड खेल बच्चों की खेलों की जगह इसको कितनी दफ़ा इसकी मैं आवाज़ उठाई रेजोल्यूशन है कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर अगर मिलता है लोगों को तो चर्स अफीम चूहे गड्ढे खुलेआम मिलते हैं उनको। ये चीज़ें बहुत खुलेआम मिलेगी उनको मंशियात खुलेआम मिलेगी। नहीं मिलेगा तो पीने का साफ़ पानी नहीं मिलेगा सहूलत नहीं मिलेगी कोई खेल का मैदान नहीं मिलेगा। ये वो बच्चे हैं जो पाकिस्तान का असासा है फुटबॉलर इनके अंदर टैलेंट है बॉक्सर ये लोग हैं इंटरनेशनल प्लेयर बन सकते हैं ये लेकिन इन बच्चों को सहूलत कौन देगा। अब आप देख लो ओलंपिक का हाल देख लें आप कि एक मेडल तक हम नहीं जीत पाते कैसे जीतेंगे जब ये इस टैलेंट को आप नज़रअंदाज करोगे इस टैलेंट को आप जब नहीं सपोर्ट करोगे मेरिट का कत्ल करोगे तो कैसे आप जीतोगे फिर मेडल। सिंध गेम्स जो है वो 2012-13 में हुआ उसके बाद 2017 में चार साल तक सिंध गेम्स नहीं होते यहाँ पे कोई स्पोर्ट्स इवेंट नहीं होते यहाँ पे क्या आप लोगों ने बनाया। और ये वो इलाका है जहाँ से ज़्यादा पीपल्स पार्टी को वोट पड़ता है उसके बाद इनका हाल ये देख लें क्या इनको मिलता है किसकी सज़ा मिलती है इनको कि ये हाल है इनका। कोई यूसी चेयरमैन इनका काम नहीं करा उसने अपने पूरे 5 साल गुजारे करप्शन करके एक रुपया उसने यूसी में नहीं लगाया एक रुपया उसने लगाया उल्टा खाया उसने। तो मेरा यही मुतालबा है अब इनकी यूसी 79 से कि अपने हकूक को पहचाने आप और इनके खिलाफ खड़े हो जाएँ। पंचायत के अड्डे हम ख़त्म करवाएंगे यहाँ से खेलों के मैदान हम आबाद करेंगे इंशाल्लाह यहाँ पे और बहुत जल्द आपको इन सिंध हुकूमत से हम आपको आज़ादी दिलवा